आर के इंफॉर्मेशन, लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन। हाउ टू टेस्ट एफईएम इन स्पंज आयरन। स्पंज आयरन में एफईएम हम लोग केमिकली कैसे टेस्ट करते हैं, यहाँ उसके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले स्पंज आयरन को क्रश करके उसका पाउडर बना लेते हैं और 0.2 ग्राम पाउडर एक ले लेते हैं, किसमें 5 ml बीकर में लेते हैं और उसमें 2-3 ग्राम HgCl2 ऐड करते हैं। और क्या ऐड करते हैं, 150 ml नॉर्मल डिस्टिल वाटर ऐड कर देते हैं और उसके बाद उसको ऐसा एक वाच ग्लास से ढक के पुट द बीकर विद कवर ऑन द हॉट प्लेट एंड बॉयल 30-40 मिनट तक बॉयल करते हैं। देन उसके बाद क्या करते हैं, फिल्टर द सॉल्यूशन इन 500 ml कॉनिकल फ्लास्क थ्रू वॉटमैन फिल्टर पेपर नंबर 41। 5 ml का कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं और इसको फिल्ट्रेट कर देते हैं और फिल्ट्रेट होने के बाद जो फिल्टर पेपर होता है उसको 4-5 बार जो है हॉट डिस्टिल वाटर से वॉश कर देते हैं और वॉश करने के बाद इसमें क्या करते हैं, ऐड 20 ml एसिड मिक्स। एक एसिड मिक्स जो है 20 ml ऐड करते हैं, उसमें क्या क्या रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 और डिस्टिल वाटर। इसका रेशियो क्या रहता है उसमें, 15-15 और 70। डिस्टिल वाटर जो है 70% रहता है और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जो है 15% और H2SO4 भी 15% होता है। ये मिक्स करने के बाद इसमें क्या करते हैं, 3-4 ड्रॉप इंडिकेटर डालते हैं उसमें। इंडिकेटर क्या है, कैसे बनाते हैं ये आगे बताऊंगा मैं। और देन उसके बाद इसको टाइटेट करते हैं, किससे, 0.1 नॉर्मलिटी वाले पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से, K2Cr2 7 से। और वेरी केयरफुली क्या ऑब्जर्व करते हैं, इसका एंड पॉइंट नोट कर लेते हैं जब इसका कलर चेंज हो जाता है। और लास्ट में जब कलर चेंज हो गया उसके बाद क्या करते हैं, इसका जो ब्यूरेट का रीडिंग है उसको ले लेते हैं। और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ब्यूरेट रीडिंग इंटू 0.005585 इंटू 100 और डिवाइड बाय सैंपल वेट। इससे क्या निकल जाता है, FEM निकल जाता है। अब FEM निकल गया, यदि हमको मेटलाइजेशन इसका निकालना है तो इसमें मेटलाइजेशन इज इक्वल टू FEM जोड़ा FET। FET भी कैसे निकालते हैं मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। और एक मित्र ने पूछा था कि सर वो FEO का जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं उसमें 1.284 क्या है, कैसे आता है। जनरली जब हम FEO का कैलकुलेशन करते हैं तो FET माइनस FEM इज इक्वल टू जो आता है, जो वैल्यू आती है उसमें हम 1.286 से इंटू करते हैं, जिससे क्या निकल जाता है, FEO निकल जाता है। और 1.286 क्या है ये कई लोग को नहीं मालूम, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको कि FEO इज इक्वल टू ये मॉलिकुलर वेट हो गया 55.85 प्लस 16 ये ऑक्सीजन का, इज इक्वल टू क्या हो गया 71.85। तो FEO बाय FE 71.85 डिवाइड बाय 55.85 इज इक्वल टू क्या आता है, 1.286। तो ये फैक्टर है, लेकिन ने पूछा था कि ये फैक्टर कैसे निकलता है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। धन्यवाद। आर के इंफॉर्मेशन, लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन।